नमस्कार। नॉर्थ गुजरात एजुकेशन ट्रस्ट संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला पाटण, कक्षा छे, विषय हिंदी, इकाई 3, समझदार नन्ही, भाग 1। आज हमें इसका अभ्यास करना है। सबसे पहले किसी भी पाठ को, इकाई को जब हम समझते हैं तो उसके शब्दों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो पाठ को यानी कि इकाई को समझने से पहले हम उसमें आने वाले शब्दों को समझेंगे। तट यानी कि किनारा, नन्ही यानी कि छोटी, यहाँ पर छोटी बतख है उसका नाम क्या है? नन्ही। यह एक कहानी स्वरूप है और इस कहानी में नन्ही बतख की बात की गई है। बिच्छू, डंक मारने वाला जंतु। दलदल, जिसमें खड़े होने पर पांव अंदर धंसता है, चला ही जाता है, ऐसी गीली जमीन। प्रार्थना, बिनती। शैतानी, शरारत। डंक, बिच्छू का जहरीला काटा जो उसकी पूंछ में होता है। तड़पना, व्याकुल होना, दर्द से छटपटाना। लापरवाही, बेफिक्री। स्वभाव, आदत, प्रकृति। पुनः, फिर। प्राण, जान, जीवन। संकट, मुसीबत। ठिठकना, रुकना, झिझकना। शर्म, लज्जा। खिसियाना, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। विश्वासघात, धोखेबाजी। भलाई, अच्छाई। पछतावा, अपने बुरे काम पर दुख होना। निर्दोष, बेकसूर। राह, रास्ता। प्रसन्न, खुश। करुण, दुख भरी, दर्द भरी। पुकार, बुलाने की आवाज। झपट कर, बड़ी तेजी से। सहसा, एकाएक। गिड़गिड़ाना, विनती करना। दोबारा, दूसरी बार। इरादा, विचार। अनुसार, मुताबिक। धारा, प्रवाह, बहाव। तो बच्चों, यह क्या था? इस इकाई में आने वाले शब्द। अब इस इकाई में कुछ मुहावरे भी है और उन मुहावरों का वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। तो अब हम देखते हैं मुहावरे। मुहावरा 1, अनसुनी करना। उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? ध्यान न देना। अब उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। तो यह पहला मुहावरा था, अनसुनी करना। उसका अर्थ क्या होता है? ध्यान न देना। और उसका वाक्य में प्रयोग, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। दूसरा वाक्य है, आदत का गुलाम होना। उस मुहावरे का अर्थ क्या है? आदत से मजबूर होना। वाक्य में प्रयोग, वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। इसका हम दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं, बिच्छू झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। तीसरा मुहावरा, मन डोलना, विचार बदलना। उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। चौथा मुहावरा, जीवन दान देना, मरने से बचा लेना,
नया जीवन देना। उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, डॉक्टर मरीजों को जीवन देता है। पांचवा वाक्य, शर्म से पानी पानी होना। पांचवा मुहावरा, शर्म से पानी पानी होना। उसका अर्थ बहुत लज्जित होना। उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। छठा मुहावरा, वचन देना, वादा करना। उसका अर्थ क्या है? वचन देना उसका अर्थ है वादा करना। अब उसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। इस मुहावरे का दूसरा भी वाक्य हम बना सकते हैं कि बिच्छू ने नन्ही को वचन दिया। सातवां मुहावरा, थिरकने लगना, खुशी से नाचना। वाक्य, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। उसका दूसरा भी वाक्य हम बना सकते हैं कि नन्ही अपनी जीत पर थिरकने लगी। तो बच्चों, यहाँ तक हम देखते हैं। अगले अंक में हम पाठ की समझूती लेंगे।